सो so, hey है गाइज वेलकम टू कोड ऑप्स तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाईज स्पायरली ट्रैवर्सिंग ए मैट्रिक्स तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइज कि हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स गिवन होती है एंड हम लोगों को उसको स्पायरली ट्रैवर्स करना होता है हम लोगों को क्या करना है स्पायरली ट्रैवल्स करना है तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो तो इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग जैसे वन टू थ्री फोर देन स्पायरल के जैसे एट ट्वेल्व सिक्सटीन इस तरह कुछ हम लोग को करके प्रिंट करना है मतलब एक स्पायरल बन रहा है यहाँ पे देखो अगर मैं एग्जाम्पल से दिखाऊँ तो देखो स्पायरल कैसे बन रहा है तो इसको पहले प्रिंट करेंगे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे इस तरह करके प्रिंट करेंगे तो जैसे अगर कुछ मैट्रिक्स है हमारे पास ऐसा तो ऐसे करके ऐसे करके तो ये देखो ये एक स्पायरल बन रहा है, है। इसलिए हम लोग क्या करना है इस मैट्रिक्स को स्पायरली ट्रेवर्स करना है ठीक है गाइश तो आई होप की क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अच्छा एक और बात गई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी कंपनीज में पूछा जा चुका है

तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जो आउटर वाली बाउंड्री होगी उस पर हम लोग ट्रेवल्स करेंगे एंड उसके जो भी एलिमेंट्स है उसको अपने एरे लिस्ट में एड कर लेंगे देन फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग अंदर वाले बाउंड्रीज को कर लेंगे तो इस तरह कुछ हम लोग करके काम करेंगे तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ सबसे पहले जो टॉप मोस्ट हमारा बाउंड्री होगा उसको हम लोग ट्रेवल्स करेंगे देन उसके अंदर की जो बाउंड्री होगी उसको हम लोग ट्रेवल्स करेंगे फिर उसके अंदर की जो बाउंड्री होगी उसको हम लोग फ्रेवस करेंगे तो इस तरह कुछ करके हम लोग काम करेंगे इस तो कोड तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे एंड कुछ कंडीशन को बस हम लोग चेंज कर देंगे जिससे कि क्या होगा ये सारा काम भी हो जाएगा मतलब कोड हम लोग सिर्फ आउटर बाउंड्री का लिखेंगे फिर कुछ कंडीशन को चेंज कर देंगे जिससे क्या होगा कि अंदर वाली जो बाउंड्रीज है वो भी प्रिंट हो जाएगी ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इसको करेंगे कैसे तो देखो देखोगा इसको ना इसको चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन इसको चार पार्ट्स में इसको कैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा हमारा टॉप वॉल ये हो जाएगा हमारा क्या ये हो जाएगा हमारा राइट वॉल ये हो जाएगा हम लोगों का बॉटम वॉल एंड ये हो जाएगा हम लोगों का लेफ्ट वॉल ये हो जाएगा लेफ्ट वॉल तो देखो चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है इस चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो बस इसको याद रखना अब अब देखो अब अगर टॉप वॉल को प्रिंट करना है इस टॉप वॉल को अगर प्रिंट करना है इसकी इंडेक्सिंग में कर देता हूँ जीरो वन टू थ्री जीरो वन टू थ्री देखो अगर टॉप वॉल को प्रिंट करना है तो कौन कौन से एलिमेंट्स है फाइव है सेवन है टेन है एंड एट ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है तो हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल्स करना है जिससे कि हमारा टॉप वॉल जो है वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो देखो कहाँ से कहाँ तक हम लोग ट्रेवल्स करेंगे ये मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो टॉप वॉल है हमारा टॉप वॉल में जो रो है गाइस जो रो है रो की वैल्यू क्या है रो की जो वैल्यू है वो जीरो है एंड वो कॉन्स्टेंट है मैं यहाँ से ये यह बोल सकता हूँ कि रो की वैल्यू फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले जो टॉप वॉल हम लोग प्रिंट कर रहे हैं हमारे टॉप वॉल में रो की जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है वो जीरो पे फिक्स्ड है लेकिन हमारा जो कॉलम है गाइस हमारा जो कॉलम है वो वेरी कर रहा है वो कर रहा है वेरी एंड वो कहाँ से कहां तक वेरी कर रहा है वो जीरो से लेकर के थ्री तक वेरी कर रहा है मैं ये बोल सकता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले, ले लेता हूँ यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले, ले लेता हूँ क्या तो देखो ये ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा कौन सा पॉइंट है ये हमारा कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है गाइस एंड यही हमारा किसका रो का भी स्टार्टिंग पॉइंट है मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कॉलम का भी स्टार्टिंग पॉइंट है एंड ये हमारा रो का भी स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है एंड ये वाला जो पॉइंट है, है? है किसका कॉलम का एंड पॉइंट है, है? है, है? है, है. है? ये चार बातें हो गई अब देखो अब अगर हम लोगों को टॉप वॉल को प्रिंट करना है अब अगर टॉप वॉल को प्रिंट करना है तो टॉप वॉल में यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ टॉप वॉल में जो हमारा रो है जो हमारा आई है यहाँ पे आई जे के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं तो आई जो है हमारा

या फिर मैं बोलूँ तो हमारा रो कॉन्स्टेंट है एंड वो जो है रो की स्टार्टिंग पॉइंट है एंड हमारा कॉलम वेरी कर रहा है फ्रॉम कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक ये काम हो रहा है टॉप वॉल में तो चलो इसका कोड लिख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस एंड थोड़ा थोड़ा हम लोग कोड भी करते जाएंगे तो ठीक है गाइस तो यहाँ पे हम लोग ले लेते ले 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 हैं लेस से हम लोग ले लेते ले ले हैं रो का स्टार्टिंग पॉइंट है जीरो एंड हमारा जो कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी है जीरो ठीक है हमारा रो का एंड पॉइंट क्या है इस रो का जो एंड पॉइंट है वो मैं बोल सकता हूँ कि आर माइनस वन है यहाँ पे देखो

ठीक है गाइस ये हो गया अब देखो यहाँ पे वाइल के अंदर कुछ कंडीशन आएगी अभी उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे कंट्रोल करना है यहाँ पे देखो यहाँ पे चार चीजें होगी एक तो होगा टॉप वॉल एक होगा हम लोगों के पास राइट वॉल एक होगा हम लोगों के पास बॉटम वॉल एंड एक होगा हम लोगों के पास लेफ्ट वॉल एक होगा हम लोगों के पास लेफ्ट वॉल ठीक है ये चार होगी टॉप वॉल में हमने क्या देखा गाइस कि हमारा जो आई है वो रो के स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है एंड जे जो है वो वेरी कर रहा होता है कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के कॉलम के एंड पॉइंट तक तो यहाँ पे एक लूप लगेगा गाइस फॉर जो है वो रो के स्टार्टिंग पॉइंट पे है एंड जो जे है जे जो है वो कहाँ पे है वो कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे है जे जो है वो वेरी कर रहा है तो जे इज लेस देन इक्वल्स टू कॉलम के एंड पॉइंट तक एंड जे प्लस प्लस आई जो है वो कॉन्स्टेंट है एंड एंसर डॉट एड कर देंगे हम लोग किसको मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमन जे इसको हम लोग ऐड कर देंगे अपने एल लिस्ट में तो ये हो जाएगा तो इससे क्या हो गया इससे हमारा टॉप वॉल प्रिंट हो गया ठीक है एक स्टेप हो गया टॉप वाल हम लोगों ने देख लिया तो इसको क्या करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको हम लोग रख लेते हैं साइड में ठीक है तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग छोटा एंड इसको रख लेते हैं हम लोग साइड में ठीक है ये हो गया इसको क्लियर कर लेते हैं तो टॉप वॉल हो गया है इस अब देखो अब क्या करना है अब राइट right वॉल को प्रिंट करना है ये हमारा राइट वॉल है इसको प्रिंट करना है ये कैसे प्रिंट होगा इसमें देखो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारा जो कॉलम है यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट वॉल इसमें देखो हमारा जो कॉलम है वो फिक्स्ड है गाइस हमारा जो कॉलम है वो थ्री पे फिक्स्ड है हमारा रो चेंज हो रहा है रो हमारा चेंज हो रहा है एंड जो रो है वो जा रहा है जीरो वन टू थ्री हमारा रो यहाँ पे वेरिएबल है एंड कॉलम जो है वो फिक्स्ड है तो यहाँ से ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आई जो है आई जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहां तक रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के रो के एंड पॉइंट तक हमारा जो रो है वो वेरी कर रहा है तो देखो आई जो है आई जो है वो वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ तक तो रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के रो के एंड पॉइंट तक हमारा जो आई है वो वेरी कर रहा है एंड हमारा जो कॉलम है वो फिक्स्ड है तो जे जो होगा वो कहाँ पे होगा वो होगा कॉलम के एंड पॉइंट पे क्योंकि हमारा जो कॉलम है वो लास्ट वाला कॉलम है तो लास्ट वाला कॉलम है तो दैट मीनस कि जे जो है वो कॉलम के एंड पे होगा ठीक है तो इसका भी कोड लिख लेते हैं बहुत जल्दी से तो इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ एंड यही कोड हो, होगा कुछ राइट right वॉल का भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे तो आई जो है वो चेंज हो रहा है रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के रो के एंड पॉइंट तक तो रो का स्टार्टिंग से लेकर के i जो है वो चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करेंगे i को i इज लेस देन इक्वल्स टू रो का एंड एंड i इज प्लस प्लस i को प्लस प्लस कर देंगे एंड j जो है वो होगा कॉलम के एंड पॉइंट पे ठीक है गाइस यहाँ पे देखो i जो है वो रो के स्टार्ट पॉइंट से लेकर के रो के एंड पॉइंट तक जा रहा है एंड j जो है वो कॉलम के एंड पॉइंट पे जो अभी हमने डिस्कस किया एंड इसके बाद हम लोगों ने इसको एरे लिस्ट में ऐड कर लिया ठीक है गाई तो देखो इससे हमारी दो वॉल्स प्रिंट हो गई एक टॉप वॉल एंड एक राइट वॉल लेकिन इस कोड में कुछ दिक्कत है गाईज इस कोड में कुछ दिक्कत है ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम लोग पहले दिक्कत देखेंगे उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे कि उसको रिड्यूस कैसे करना है पहले देखते हैं कि दिक्कत क्या है फिर देखेंगे फिर डिस्कस करेंगे कि उसको हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम देना गाइस हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये हमारा जो कोड है ये है टॉप वॉल का तो टॉप वॉल में आई जो है वो रो के स्टार्टिंग पॉइंट पे है एंड जे जो है वो कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के कॉलम के एंड पॉइंट तक जा रहा है तो कॉलम वेरी कर रहा है जीरो टू थ्री एंड रो जो है वो है रो के स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से क्या क्या ऐड हो जाएगा इसमें अपने लिस्ट में एंड एंड जो है अपने एड हो चुका है ठीक है यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था अब देखो सेकंड वाला जो लूप चलेगा वो कहाँ से चल रहा है रो के स्टार्टिंग पॉइंट से रो का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है ये वाला है रो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अभी जीरो पे है एंड जे कहाँ पे है वो कॉलम के एंड पे है तो कॉलम के एंड पे जे है ये दैट कि वो थ्री पे है एंड इसमें आई वेरी कर रहा है कहां से कहा तक रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के रो के एंड पॉइंट तक तो कॉलम जो है वो यहां से यहां तक वेरी कर रहा है तो इस लूप के चलने के बाद क्या हो जाएगा हमारा एट वन टी टू एंड फिफ्टीन जो है हमारे एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे देखो गाइस गौर करने वाली बात यह है कि जो एट है वो दो बार हमारे एरे लिस्ट में ऐड हो जा रहा है

तो अगर हम लोग रो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है गाइस अगर हम लोग रो का स्टार्टिंग पॉइंट को वन पे ले आए तो क्या हमारा काम नहीं हो जाएगा गाइस हमारा आई जो है वो वेरी कर रहा है रो के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के रो के एंड पॉइंट तक तो अगर हम लोग रो का स्टार्टिंग पॉइंट को थोड़ा सा बढ़ा दें रो का स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग जीरो की जगह हम लोग वन पे रख दें तो हमारा काम हो जाएगा इजली एंड देन जब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो एट ऐड नहीं होगा बस वन ट्वेंटी टू एंड फिफ्टीन ऐड हो जाएगा तो ये कुछ काम करना है गाइस हम लोगों को तो यहां पे देखो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे देखो यहाँ पे इस लूप के बाद हमारा टॉप वाले लूप के बाद टॉप वाल वाले लूप के बाद इस लूप के बाद अगर हम लोग रो के स्टार्टिंग पॉइंट को बढ़ा दें रो के स्टार्टिंग पॉइंट को बढ़ा दें तो हमारा काम हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा वो वन एंड फिफ्टीन को एड कर देगा अपने में तो ठीक है इसको हम लोग कर लेते हैं तो इस वाले लूप के बाद हम लोग क्या कर देंगे, रो के को हम लोग कर देंगे कि जब अपने राइट वॉल के बाद भी करना होगा कि देखो राइट वाला जो वॉल है वो इन सारे नोट्स को प्रिंट कर दिया है वो इन सारे नोट्स को प्रिंट कर चुका है अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग बॉटम वॉल को प्रिंट करेंगे तो बॉटम वॉल में देखो गाइस क्या वैरी हो रहा है हमारा जो है कॉलम वेरी हो रहा है कॉलम वैरी हो रहा है कॉलम जो है थ्री टू वन जीरो से जीरो की तरफ जा रहा है एंड हमारा जो रो है वो कांस्टेंट है रो जो है वो थ्री पे है. हमारा जो रो है वो थ्री पे एंड जो हमारा कॉलम है वो वेरी कर रहा है तो यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे हम लोग इस नोड को इस फिफ्टीन वाले नोड को फिर से एड ना कर लें इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा इसके लिए हम लोगों को कॉलम का जो एंड पॉइंट है कॉलम का जो एंड पॉइंट है जो अभी थ्री को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे देखो कॉलम का जो एंड पॉइंट है जो अभी थ्री को पॉइंट कर रहा है उसको हम लोगों को टू को पॉइंट करवा देना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग कर देंगे कॉलम का एंड पॉइंट को माइनस माइनस जिससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब हमारा बॉटम वाला लूप चले तो कॉलम का जो एंड पॉइंट है वो टू पे आ जाए एंड हम लोग कॉलम के एंड पॉइंट से लेकर के कॉलम के स्टार्ट पॉइंट तक ट्रेवर्स करें तो ये कुछ बात है गाइस तो यहाँ पे चलिए हम लोग कोड लिख लेते हैं बॉटम वॉल का भी तो बॉटम वॉल के कोड में मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा जो आई है वो रो के एंड में फिक्स होगा गाइस रो के एंड में यहाँ पे देखो हमारा जो आई है वो रो के एंड में फिक्स है रो के एंड में फिक्स है एंड रो का जो एंड है वो थ्री को पॉइंट कर रहा है ठीक है इसमें क्या वैरी हो रहा है कॉलम वैरी हो रहा है दैट मीनस जे वैरी हो रहा है जे कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रहा है गया? इस कॉलम के एंड पॉइंट से लेकर के कॉलम के स्टार्ट पॉइंट तक तो जे को यहाँ पे हम लोग कंट्रोल करेंगे तो जे इज ग्रेटर देन इक्वेस्ट टू जब तक जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वेस्ट टू है किसके कॉलम के स्टार्ट पॉइंट से तब तक हम लोग लूप चलाएंगे एंड यहाँ पे कर देंगे हम लोग जे माइनस माइनस एंड हम लोग सिंपली एरे लिस्ट में इसको ऐड कर देंगे जिससे कि हमारा जो बॉटम वॉल है वो हमारे एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा तो ये हो गया गाइस लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है गाइस वो कैसे वो देखो वो क्या होगा यहाँ पे देखो हम लोगों ने रो के स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस प्लस किया है यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है रो के स्टार्टिंग पॉइंट को प्लस प्लस किया है तो इससे क्या हो सकता है ना कि हमारा जो रो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हो सकता है कि रो के एंड पॉइंट को क्रॉस कर गया हो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है गाइस तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर रहा होगा यहाँ पे देखो क्योंकि हम लोग जो लूप है वो हम लोग आई को रख रहे हैं रो के एंड पॉइंट में तो हो सकता है कि हमारा जो रो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे रो के एंड पॉइंट को क्रॉस कर चुका हो तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ये वाला चेक लगाना होगा कि हमारा जो रो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो अभी भी छोटा होना चाहिए किसके रो के एंड पॉइंट से तभी हम लोग इस काम को करेंगे अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे तो इसको इसके अंदर लिखना होगा गाइज तो ये एक चेक हम लोगों को लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग रो के स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक करना होगा कि रो का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहीं क्रॉस तो नहीं कर चुका है रो के एंड पॉइंट से तो यहाँ पर ये चेक लगाना होगा एंड देन हम लोग अपने बॉटम वॉल को प्रिंट कर लेंगे ठीक है तीन काम हो गया गाइस तीन काम हो चुका है एंड इस कोड को अब हम लोग हटा देते हैं तो तीन वॉल्स को हम लोगों ने प्रिंट कर लिया है गाइस तो अब हमारा जो काम है वो बचता है लास्ट वाले वॉल को प्रिंट करना तो देखो लास्ट वाले वॉल को कैसे करेंगे यहाँ पे था तो ये सारे काम हो चुके हैं अब लास्ट वाले वॉल को प्रिंट करना है कौन सा वॉल ये हमारा लेफ्ट वॉल को लेफ्ट वॉल को प्रिंट करना है तो लेफ्ट वॉल में देखो गाइस लेफ्ट वॉल में एक चीज देखो यहाँ पे जो कॉलम है कॉलम जो है वो कॉन्स्टेंट है कॉलम जो है वो कॉन्स्टेंट है वो फिक्स्ड है

तो हमारा काम क्या बचता है कि सेवेंटी नाइन टेन को हम लोग अपने एयर लिस्ट में ऐड करें तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको हम लोग नीचे से ऊपर जाते हुए करेंगे कि रो का जो एंड पॉइंट है उससे हम लोग रो के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाएं एंड वहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अपने एयर लिस्ट में ऐड कर लें तो यहाँ पे देखो इसी रोर रोर फॉर लुक को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे ना इसको पेस्ट कर देते हैं अच्छा उससे पहले एक काम गाइस एक काम मैं भूल गया यहाँ पे कि देखो हम लोगों ने जब बॉटम वॉल को प्रिंट किया बॉटम वॉल को जब प्रिंट किया तो अब हम लोग जब लेफ्ट वॉल को प्रिंट करेंगे तो सिक्सटीन वाले नोट को हम लोग फिर से प्रिंट ना कर दे इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा गाइस रो के एंड पॉइंट को जो है रो के एंड पॉइंट को जो है उसको घटाना होगा क्योंकि जो रो का एंड पॉइंट है वो अभी किसको पॉइंट कर रहा है गाइस रो का जो एंड पॉइंट है वो पॉइंट कर रहा है अभी थ्री को रो का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ पे रो का एंड एंड पॉइंट पे है है जो 16 वाला नोड है, वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है तो रो का एंड पॉइंट को हम लोग को यहाँ शिफ्ट करना होगा टू पे जिससे कि हमारा जो टेन एंड सेवन है सिर्फ ये वाले दोनों नोट्स प्रिंट हो तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा यहाँ पे हम लोग को करना होगा रो एंड माइनस माइनस ये काम करना होगा गाइज ये मैं भूल गया था सॉरी अब देखो अब हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे लेफ्ट को। लेफ्ट वॉल वॉल को में क्या देखा हम लोगों ने जे जो है वो कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे फिक्स्ड है तो जे जो है वो कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट पे फिक्स्ड है आई जो है वो वेरी कर रहा है रो के एंड से लेकर के रो के स्टार्टिंग पॉइंट तक तो इसको यहाँ पे हम लोग आई को कंट्रोल किया करेंगे रो के स्टार्टिंग पॉइंट तक एंड देन आई माइनस माइनस एंड देन उसको हम लोग एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे तो जिससे कि जो एलिमेंट्स है वो हमारे एरे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा काम हो चुका है गाइस तो अब हम लोगों को ये वाली वाइल कंडीशन का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी एंड अदरवाइज हमारा काम हो चुका है एक और बात गाइज यहाँ पे क्या ये जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है इस तरह का कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे लगाना होगा क्यों लगाना होगा क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम एंड को माइनस माइनस किया है इस कॉलम के एंड पॉइंट को हम लोगों ने माइनस uh, माइनस किया है तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करना होगा कि क्या हमारा जो कॉलम एंड है भाई क्या हमारा जो कॉलम एंड है क्या वो क्रॉस कर चुका है कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पर हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या हमारा जो कॉलम एंड है वो स्टार्टिंग पॉइंट को कहीं क्रॉस तो नहीं कर गया है तो अगर हमारा जो कॉलम एंड है वो अभी भी अपने बाउंड्रीज के अंदर है मीन्स वो बड़ा है किससे कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से तब तो ये काम हम लोग करेंगे लेकिन अगर जो है अगर हमारा जो कॉलम एंड है वो छोटा हो चुका है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से तब कोई काम करके मतलब नहीं है इस फिर हमें क्या पता चल गया है? कि हमारा जो कॉलम एंड है वो क्रॉस कर चुका है कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट को तब हम लोगों को नहीं करना है लेकिन हम लोग यहाँ पे यही चेक करेंगे कि अगर हमारा जो कॉलम एंड है वो अभी भी कॉलम स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा है एंड पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से बड़ा है तभी काम करो अदरवाइज काम करने की कोई जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ये वाला चेक करना होगा ये वाला चेक हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉलम एंड को हम लोगों ने डिक्रीमेंट किया था तो हो सकता है कि डिक्रीमेंट होते होते हमारा जो कॉलम का एंड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सीड कर चुका हो वो स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुका हो तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो कॉलम एंड पॉइंट है वो कहीं क्रॉस तो नहीं कर गया हमारे कॉलम के स्टार्ट पॉइंट को तो ये चेक कर देंगे गाइज एंड आई होप कि हमारा कोड हो चुका है यहाँ पे वाइल्ड लूप की कंडीशन क्या आ जाएगी वाइल लुक की कंडीशन ये हो जाएगी गाइस कि जब तक हमारा जो रो का स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेस देन है किसके रो के एंड पॉइंट से एंड एंड जो हमारा कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो लेस देन इक्वल्स टू है कॉलम के एंड पॉइंट से तब तक हमारा जो काम है वो होगा अदरवाइज उसके बाद हम लोग वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने लिस्ट को तो ये हमारा कोड था गाइस तो इससे क्या हुआ इससे जो लेफ्ट वाली वॉल है इससे जो लेफ्ट वाली वॉल है वो प्रिंट हो गई तो सेवनटीन एंड टेन प्रिंट हो गया एंड जब नेक्स्ट टाइम हम लोगों को अब क्या करना होगा अब देखो हमारे पास क्या क्या हो चुका है तो थोड़ा सा डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं एंड यहाँ पे ना ये 16 था तो इसको 16 लिख लेते हैं तो देखो अब लोगों ने क्या कर लिया फाइव सेवन टेन एट वन ट्वेंटी टू फाइव ट्वेंटी थ्री सिक्सटीन सेवेंटी नाइन टेन इन सारे नोट्स को प्रिंट कर लिया है अब नेक्स्ट टाइम जो हमारा लूप चलेगा वो सिक्स नाइन फाइव नाइन को प्रिंट करना चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे गाइज नेक्स्ट जब हमारा फिर से टॉप वाला लूप चलेगा तो वो फिर से रो के स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा एंड जे जो होगा वो कॉलम के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के कॉलम के एंड पॉइंट तक चलेगा तो हमारा जो कॉलम का स्टार्ट पॉइंट है वो अभी भी जीरो को पॉइंट कर रहा है तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा लेफ्ट वॉल के बाद लेफ्ट वॉल के बाद हम लोगों को क्या करना होगा अपने कॉलम के स्टार्ट पॉइंट को इंक्रीमेंट करना होगा ताकि जो नेक्स्ट टाइम लूप चले ना तो नेक्स्ट टाइम जो लूप है वो सिक्स वाले नोट से चले एंड सिक्स नाइन फाइव नाइन ये जो है ये हमारे में इंसर्ट हो चुके तो इसको करने के लिए हम लोगों को अपने कॉलम के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको शिफ्ट करना होगा एक क्वेश्चन आगे से तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे इस लूप के बाद हम लोग क्या कर देंगे इस फॉर लूप के बाद इस फॉर लूप के बाद हम लोग कर देंगे कॉलम के स्टार्ट पॉइंट को प्लस प्लस जिससे कि जो नेक्स्ट टाइम हमारा लूप चले वो एक स्टेप आगे से चले ठीक है गाइज तो ये हो गया गाइज एंड आई थिंक कि हमारा कोड जो है वो हो चुका है ये रो एंड जो है ये यह यहाँ पे आ जाएगा तो आई थिंक हमारा कोड हो चुका है इसको चलिए एक, एक बार कर लेते हैं रन एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आई होप ये कम्प्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है गाइज इसको कर लेते हैं सबमिट एंड बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो आई थिंक ये सबमिट हो जाएगा गाइज तो ये सबमिट भी हो रहा है तो ये सबमिट हो रहा है गाइज तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाएगी बिग ऑफ एन क्रॉस एम क्योंकि हम लोग पूरे मैट्रिक्स में ट्रेवल्स करेंगे गाइज एक एक बार एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट है गाइज क्योंकि कोई एक्स्ट्रा सेलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस एंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस एंड इसको बेसिकली हम लोग चार पार्ट्स में सॉल्व कर रहे होते हैं एक हमारा टॉप वॉल एक राइट वॉल एक बॉटम वॉल एंड एक लेफ्ट वॉल एंड उसमें ये सारे कंडीशन का हम लोग ध्यान रखते हैं गाइस तो आई होप ये कम्प्लीट डिस्कशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कर देना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे एक और क्वेश्चन टू डी के ऊपर मैं तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू